रवि गौतम जी बताएंगे, चंद्रशेखर ने कल एक आरोप लगाया है जो चंदे के पैसे, क्योंकि काफी दिन से सोशल मीडिया में ये बातें उठ रही थी कि भीम आर्मी के नाम से चंदा जो उठाया गया था उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, करोड़ों रुपए का वो चंदा बताया गया है। इसके पीछे की हकीकत क्या है, क्योंकि आरोप युवा शक्ति दल पर लगा है और चंद्रशेखर ने कल एक सभा के दौरान खुलकर नाम लिया है युवा शक्ति दल का। कल तो आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जैसे कि कल चंद्रशेखर भाई दिल्ली पहुंचे थे, एक सभा में उन्होंने कहा कि कुछ लोग टांग खींचने में लगे रहते हैं और बदनाम करने का प्रयास करते हैं, तो मैं बधाई दूंगा उन्होंने कि उन्होंने युवा शक्ति दल का नाम लिया। कि जो 21 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर प्रोग्राम हुआ था, जिसकी अगुवाई युवा शक्ति दल ने अपने बैनर पे की थी, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि भीम आर्मी को परमिशन नहीं दी जा रही थी, तो उसका जो भी समाज द्वारा, बहुजन समाज द्वारा जो कलेक्शन हुआ, जो कि लोग जब वो घटना घटी थी सहारनपुर वाली, उसमें लोग बेचारे कुछ दिल्ली का युवा शक्ति टीम ने अपने घर, अपने गांव, अपने घेरों में रोक रखे थे, तो उसके खर्चे के लिए जो फंड वगैरह चाहिए होता है वो समाज ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। तो उसका 21 तारीख को मन से जाने के बाद मैं और चंद्रशेखर कलेक्शन भाई, खोल के बता दीजिए लगभग हाँ मैं कितने। बता देता हूँ, तो मैं चंद्रशेखर भाई तो हम चले गए थे, लेकिन क्योंकि पुलिस का दबाव था पीछे से, पड़ी पुलिस पीछे पड़ी हुई थी, साइबर क्राइम का काफी टीमें थी, तो वो कलेक्शन जो हमारे इस प्रोग्राम के जो कोष अध्यक्ष के रूप में काम देख रहे थे, संजीव कुमार जाटव, विजय कुमार जाटव, वह नरेश गौतम जी जो युवा शक्ति दल के कार्यकर्ता थे, और उसमें जो है वो उनके गृह निवास ग्राम पसौंडा जिला गाजियाबाद में रविदास क्लियर कर मंदिर दीजिए, के, इसमें कोषाध्यक्ष की जो भूमिका थी वो कौन हाँ वो निभा रहे थे, संजीव कुमार जाटव जी, विजय कुमार जाटव जी, नरेश जी, ठीक या है, तीनों ही हाँ कोषाध्यक्ष ये थे। तीनों उसमें संगठन की तरफ से कोषाध्यक्ष रूप में थे। उसी के साथ साथ वो सगला कलेक्शन चंद्रशेखर जी के सामने विजय जी के निवास पर 4,92,000 रुपये, जो भी उस कनस्तर में 11-12 कनस्तर थे उसमें आया, लेकिन उसमें चंद्रशेखर, राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन, कमल वालिया, नीटू शामली, सहारनपुर की पूरी टीम थी, युवा शक्ति दल के भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे। वो सगला कलेक्शन गिन करके ग्राम पसोंडा में 4,92,000 रुपये इकट्ठा हुआ, जो चंद्रशेखर जी के पूरे संज्ञान में है, उनके वो सब जानते हैं, और वो सगला पैसा वहां पर संजीव भाई को हैंडओवर कर दिया गया कि कहीं भी जरूरत पड़ेगी, राशन जाना है, कोर्ट का खर्चा होना है, वकीलों को पैसा देना है, वो विजय भाई और संजीव भाई अपने माध्यम से देते थे। उसी में जैसे कि चंद्रशेखर भाई ने कहा कि वकीलों वो के थोड़ा ये भी बता दीजिए, क्लियर करते रहिए कि वकीलों को जो पैसा दे रहा था किसके लिए वो वकील किए गए थे, कौन कौन वकील थे, थोड़ा नाम बता दें। 45 लोग जो जेल में थे उन लोगों के लिए वो पैसा इकट्ठा हुआ था, जेल जाने के लिए जो जेल गए हैं उन्हें बचाव के लिए, जो मतलब प्रक्रिया होती है कोर्ट की कि यहाँ फॉर्म लगाने से खर्चा आना है, तो वो सब संजीव भाई ने और विजय भाई ने अपने माध्यम से, जो मेरे संज्ञान में नहीं है, जो भी दिया होगा, क्योंकि मैं तो 21 के मंच के बाद चंद्रशेखर के भाई की तरह, जैसे कहते हैं कि दो जिसम एक जान है, हम मेरी टीम व पूरा संगठन चंद्रशेखर के भाई की देखरेख के लिए वहां से हम पंजाब चले गए, जिसमें संजीव भाई खुद गए अपनी गाड़ी से, जो भी आना जाना खर्चा हुआ वो सगला 4,92,000 रुपये से ही हुआ, विजय भाई भी सहारनपुर बार बार जा रहे थे, ठीक है, और राशन भी पहुंचा, और जो अदर कितने खर्चे होते हैं, कमल वाले को भी उत्तराखंड में दिया गया कि भाई इनका खर्चा इन्हें पूरा करना है, कमल तो वाली को कितना पैसा दिया गया? लगभग समथिंग जो भी 25-30 या 50 हजार जो भी हो, संजीव भाई के माध्यम से अच्छा मुझे सिर्फ अच्छा इतना, आप संजीव पर सारे बात मतलब थोप रहे हैं, संजीव का रोल जो है क्या वो आपके नॉलेज में नहीं था जो संजीव पैसे दे रहे थे, ये आपको बताया जा नहीं रहा था पत्रकार हूं ऑन रिकॉर्ड नहीं मैं, था? थोप नहीं रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि संजीव जी के संज्ञान में ये सगला पैसा था, ठीक है, संगठन की तरफ से वो कोषाध्यक्ष के रूप में काम देख रहे थे, संजीव, विजय, नरेश जी, और वो पैसा खर्च हुआ वो शेखर के भी संज्ञान में है, जैसे उन्होंने कहा कि हिसाब देना है, तो शेखर भाई ने कहा कि चाहे वो रवि गौतम से ले सकते हैं, क्योंकि ये तो जाहिर बात है कि जब कोई सेना काम करती है तो उसका सिरा सेनापति को जाता है, तो उन्होंने मेरा नाम लिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ उनका, और तो वो पैसा उनके भी संज्ञान में है और यहाँ भी संज्ञान में है, अगर वो चाहें, एक बार वर्बली हमने हिसाब दे भी दिया था जब हम रासुका में शेखर भाई से लखनऊ मिले थे, 2 बार जेल में मिले थे मोटा मोटा, लेकिन फिर भी जैसे कुछ लोग इन दोनों संगठन को बढ़ती ताकत को देखकर बदनाम करने का काम कर रहे हैं, आपस में बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, जो भी समाज के बुद्धिजीव हैं, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को बैठा लें, मुझे बैठा लें, और हमारी टीम के जो नरेश जी हैं, विजय जी हैं, उनको बैठा लें, वो दे सकते हैं कहाँ कहाँ उन्होंने खर्च करा, वो लिखित में संजीव जी, विजय जी के पास में है, ठीक है, कहीं वो गलत नहीं है, लेकिन जो लोग, शेखर भाई ने कहा कि टांग खींचना आसान है, मैं भी कहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि समाज की सेवा करना
जैसे कि चलते अंगारों पे चलने के बराबर है, डेली मरना पड़ेगा, डेली जीना पड़ेगा, कहीं आपको जूते खाने पड़ेंगे, कहीं आपको माला मिलेगी, तो वो हिसाब पूरा क्लियर है। उसके बावजूद भी लिखित में रिटर्न में विजय जी, संजीव जी, नरेश जी के हाथ में है, क्योंकि मैं तो चंद्रशेखर के साथ जिन लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे देखा है, चाहे वो पंजाब रहा हो, हिमाचल रहा हो, दिल्ली रहा हो, उनके साथ एक साये की तरह, एक भाई की तरह, एक बड़े भाई के सम्मान की तरह मैं उनके साथ रहा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि चंद्रशेखर की नॉलेज में था वो, चंद्रशेखर जेल चले जाते हैं जब अरेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद जो फंड, जो जिस तरह से आपने बताया कि संजीव यहाँ पर उनका खर्चा हुआ है, वकीलों को पैसा दिया, वो आपकी नॉलेज में था कि जब वो पैसा दे रहे थे, या उनको ऑन रिकॉर्ड लिखित में कुछ ऐसा कुछ था उनके पास जो आपको दिखाते थे, या वैसा आपको बता देते थे? नहीं, वो कई बार मेरी फोन पे बात हुई, या बीच में हम लोग जब मिल जाते थे, जब हम लोग घूम रहे थे देश भर में, प्रदेश में, तो संजीव भाई कहते थे कि 1,00,000 रुपए वहाँ वकीलों को पहुंच गया, 85 पहुंचे, तो शेखर भी उस समय मेरे दौरान, तो वकील का थोड़ा नाम बता देंगे वो तो विजय जी और संजीव जी बता पाएंगे। अच्छा, मतलब पैसा मेरे हाथ में नहीं था। अच्छा, और उनके हाथ में मतलब पूछते थे, वर्बली फोन से बता दिया, बताया गया, मिलके बताया गया, और यही जब जेल जाने के बाद उन्होंने पूछा। तो आपने कभी वकील से मुलाकात की उनसे, जिनसे कभी बात हुई आपकी? मेरी कभी वकील से बात नहीं हुई, वो विजय जी, संजीव जी, नरेश जी, जो टीम देख रही थी, टीम है उसमें। लेकिन कई बार आपने सोशल मीडिया पर फोटो भी डाले थे कि भाई मैं आज हमारी इलाहाबाद में मुलाकात हुई फला वकील से, और आज हमने उस केस में स्टडी की, एक कुछ भी जानकारी हासिल की, तो वो उस टाइम किस वकील से आपकी मुलाकात होती थी? वो तो जो देखिए वहाँ पर तो सरकारी वकील होते हैं जो रासुगांव में होते हैं, उससे पहले प्राइवेट जो कुछ वकील थे सहारनपुर के, वो मेरे संपर्क में नहीं थे, वो विजय जी, संजीव जी के संपर्क में थे, क्योंकि जो मेरी जिम्मेदारी थी वो ये थी कि हर हाल में शेखर भाई को सेफ रखना। जो नोएडा की टीम की जिम्मेदारी थी कि भाई किस का आंदोलन हुआ, 18 का आंदोलन हुआ, उनमें भीड़ इकट्ठी करना, गाजियाबाद, हर जिले की अपनी अपनी जिम्मेदारी थी। तो खर्चे का मामला पूरा, जो कहाँ खर्च हुआ, कैसे हुआ, कहाँ आया, किसको गया, वो सब संजीव भाई ने देखा और शेखर भाई को बताने का प्रयास किया, वर्बली वो बताया भी गया है। लेकिन जैसे चीजें निकल कर आई हैं कि शेखर भाई के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है कि युवा संगठन को बदनाम किया जा रहा है, तो ये तो युवा संगठन की बढ़ती ताकत को देख करके कुछ संगठन आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि आपने उसके बाद कोई भी चंदा या कोई भी डोनेशन नहीं लिया भीम आर्मी या युवा शक्ति दल के नाम पर कहीं से भी? मैं बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरे किसी भी खाते या मेरे किसी नाम से अगर कोई पैसा लेता है वो स्वयं जिम्मेदार होगा। लेकिन युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसपे बहुजन समाज अपने बेटे से ज्यादा विश्वास करता, रवि गौतम, जो गांव गांव गली गली मोहल्ले में कैडर कैंप लगाता है, पुलिस बाद में पहुंचती है, पहले युवा शक्ति टीम पहुंच जाती है, चाहे वो मोदीनगर की घटना हो, चाहे वो गौतमपुर की घटना हो, चाहे घरपोड़ी 3 साल पहले सहारनपुर की घटना हो, जहां से हमारा युवा शक्ति दल और भीम आर्मी का याराना चला, दोस्ता चला, गठबंधन चला। तो मैंने स्वयं किसी से 1 रुपया नहीं लिया कि आप भी मारमिया युवा सदर के नाम से लो, और 21 के बाद जैसे आपने बताया तो बिल्कुल गलत है, मैंने कोई ग्रुपन लिया, कुछ नहीं लिया। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शेखर भाई ने जो कल कहा था कि वो जो पैसा है वो रवि गौतम जी के, क्योंकि भाई नेशनल प्रेसिडेंट तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मैं अगर घर का खुलासा कर दूं, मैं आपको फोटो दिखाने जा रहा हूं, ये आप फोटो देख सकते हैं, ये किसका घर का फोटो? ये संजीव भाई जी के घर का फोटो है, 21 की रात, जब 21 के आंदोलन के बाद सुबह का ये फोटो है। यहाँ पर चंद्रशेखर जी बैठे हुए हैं, एक तरफ चंद्रशेखर जी हैं, एक तरफ मैं हूँ, और एक इसमें जो है उनके संजीव जी के भाई हैं, चाचा के लड़के, और भीम आर्मी की टीम भी बैठी हुई है। अच्छा जी, तो आपका कहना है कि उसके बाद कोई भी पैसा, लेकिन कई बार नंबर जारी किए गए भीम आर्मी के नाम से, और जो डोनेशन मांगने की लगातार जो प्रक्रिया चल रही थी चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद से, तो वो किसके नंबर थे, आखिर उनका थोड़ा नाम ले देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वो चंदा जो या वो पैसा आया वो कहाँ आया और किसके पास गया? देखिए, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, चंद्रशेखर जब जिम्मेदारी दे के गए थे मंच से, तो वो आप 3 लोगों को उन्होंने नाम लिया था जहां तक मुझे याद है, एक रवि गौतम और एक तवर, सतपाल तवर, और एक और उन्होंने नाम लिया था विनय रतन, तो 3 लोगों को और एक को संरक्षक बनाया था संगठन का। तो अब ये मुझे क्लियर कर दीजिए थोड़ा सा, जो नंबर सर्कुलेट किए जा रहे थे आपने उससे पहले क्यों उन पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, क्यों लोगों को नहीं बताया कि जो नंबर जारी हो रहे हैं ये फेक जारी हो रहे हैं, इस तरह से कोई भी डोनेशन ना दें, समाज के हित में नहीं है, ये पैसा कहाँ जा रहा है इसका कोई हिसाब नहीं है, ये आपने पहले क्यों नहीं की, आज क्यों नो बताई?
देखिए, जब चंद्रशेखर भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, किस तारीख को मेरा हाथ उठाकर के रवि गौतम युवा सदर के नेशनल प्रेसिडेंट मेरे भाई हैं, उनको मैं जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ। मैं बड़ी खूबी से, मेरी टीम पूरा काम कर रही थी, लेकिन उसी के बीच कुछ सहारनपुर के जो भीम आर्मी से लोग हैं उनको शायद ये ना गुजरा कि भाई युवा शक्ति दल, जब हम लिखते थे कि भीम आर्मी युवा शक्ति दल पूरे टैगलाइन बना दी थी, तो उनको ना गुजरा जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर भाई को जेल जाने के बाद, क्योंकि जब पंजाब में वो थे तो मैं राशन बांटने, इसी खर्चे में से राशन बांटने सब्बीपुर पहुंचा, पूरा एक ट्रक राशन भर के, जो हम वहाँ बांट का पंखे वंखे राशन वासन साड़ी बर्तन 11 चीजें थी, तो उन्हें कहीं ऐसा लगा कि शायद युवा सदल। अच्छा, वो जो आप सामान लेके गए थे वो उसी पैसे में से लेके गए थे 21 मई वाले प्रोग्राम में 2017 को जो? हाँ, उसी में से थे जो मुझे बताया गया। कुछ उन्होंने, किसने बताया हुआ? मुझे संजीव भाई ने बताया, विजय भाई। मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था जब आप सामान लाने में, आप गए वहां पर? मेरा सिर्फ इतना दायित्व था जो मैंने समझा कि मुझे शेखर भाई की सेफ्टी बहुत जरूरी है, तो मुझसे बेहतर कोई नहीं कि मैं उनके से सहायता रहूं। बाकी जो पूरा ये पूरा अरेंजमेंट संजीव भाई विजय भाई ये देख रहे थे, और इन्होंने भी कई बार देने का प्रयास किया, हिसाब का मेरे सामने दिया भी है, बार बार कह रहा हूं। बाकी अगर कुछ ऐसा है तो शेखर भाई बैठ लें, बुद्धि जी बैठ लें, वो लोग उनके पास लिखित में है या होगा जो भी है वो दे सकते हैं। और जो आपने पूछा कि आपने उससे पहले लंबर क्यों रोके गए, जैसी मेरी शेखर भाई से मुलाकात हुई, विनय रतन जो बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मेरे संपर्क में आए, तो वहां से जब वो आए कि कुछ सहानपुर के लोगों ने कि रवि गौतम अपना नाम करना चाहते हैं, और मैं एक बार फिर बता दूं कि युवा शक्ति दल किसी पहचान का मोहताज नहीं है। युवा शक्ति दल के कार्यकर्ता जमीन स्तर पर काम करता है, चाहे भले वो इस कोने पे करे या देश के उस कोने पे करे, ठीक है। और भीम आर्मी को हम आज से नहीं, जब लोग किसी कोई नहीं जानता था घरपोली कांड से, हम लोग इनका समर्थन दे रहे हैं। तन मन धन गन से नारा दिया, और ये कहा उसी पावन धरती से, रविदास जी के मंदिर से, कि 1 रुपए से 1 करोड़ तक की युवा शक्ति दल रवि कुमार गौतम मदद करेगा, जो 3 साल बाद हमें इस दुख की घड़ी में मौका मिला, वो हमने मदद की। और कोई भी समाज संगठन देश हित में समाज के लिए काम करेगा, हम करेंगे। अब ये मुद्दे से अलग जा रहा था, या इस जो आपने अभी ये बात कही, ये मैं उस बात के जवाब समझूं जो कल चंद्रशेखर ने उनका नाम नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, चंद्रशेखर ने जो बात कही कल उस मंच से, उसका जवाब था जो आपने अभी कहा कि युवा शक्ति दल जो है वो किसी का मोहताज नहीं है, पहचान का मोहताज नहीं है, या फिर जो मैं आपसे मुद्दे की बात कर रहा हूँ उस पर आप? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था, मैं पहले कह चुका हूँ, भीम आर्मी हो या युवा शक्ति दल, जो अच्छा काम करेगा वो कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जो गलत काम करेगा वो नहीं चलेंगे। और जो आपने कहा कि पैसे वाली बात, कि आपने पहले क्यों उजागर नहीं किया, मैं बता दूं, उससे पहले सहारनपुर यहाँ से 200 किलोमीटर पड़ रहा है, डेली हमारा अपडाउन नहीं था, लेकिन जितना हमसे प्रयास हुआ हमने अपडाउन किया। उससे पहले कुछ लड़कों ने वहाँ आपत्ति जताई कि रवि भाई को लेकर के वो अपना नाम कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, जो भी बड़बड़ी रहा हो या जो मेरे पास सूचना मिली, तो शेखर भाई ने बॉडी भंग कर दी थी कि पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बॉडी भंग कर दी जाती है, उसके बाद जो महक है उत्तराखंड से वो देखेंगे, या एक दो जो नाम लिए। तो मैंने कहा कि जो मुझसे बनेगा फिर भी मैं करता रहूँगा। तो उसके बाद जयमोहन जाटव जी जाने और विनय रतन जी जाने के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और जो महक उसके बाद में उन्होंने अपना पूरा अपना हाथ में ले लिया था, तो वो उनको। अच्छा, आप ये बताइए कि भीम आर्मी से अपने आप को आपने, मतलब युवा शक्ति दल को, किस वक्त और कब मतलब अलग कर लिया था, जब ये बात आप बता रहे हैं तो वो भी थोड़ा बता दीजिए टाइम पीरियड क्या कितना रहा। सिर्फ अलग किया था उस, जब शेखर भाई ने अपने खत के माध्यम से 18 के आंदोलन के बाद जिसमें भी कुछ पैसा इकट्ठा हुआ था, वो सब वीडियोग्राफी हुई थी, वो तो बालाग्राम बोध उनके बुद्ध विहार में वो क्लियर हो गया था, लगभग 95 घरों को डिवाइड कर दिया गया था, तो वो भी क्लियर है, वो तो उस कॉन्फ्रेंस के बाद। लेकिन उन लोगों की संतुष्टि के लिए मैं आज भी दिल से भीम आर्मी या जो भी सामाजिक लोग काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आगे भी जुड़ा रहूंगा, तो मैं कहीं अलग नहीं हूँ। लेकिन उनकी संतुष्टि के शेखर भाई ने कहा था कि मैं बॉडी भंग करता हूँ मेरा नाम ना लेकर के, क्योंकि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी तो उन्होंने बॉडी भंग करी, तो उनके दायित्व से हो सकता है कि मैं अलग हो गया हूँ, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ मैं आज भी, क्योंकि बाबा साहब के नाम पर मैं काम करता रहूँ। अच्छा रवि, ये बताओ कि कुछ ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया में लगातार जारी हैं और तमाम उन सामाजिक गलियारों से निकल कर आ रही हैं कि विदेश से भी पैसा मंगाया गया, और जो विदेश से पैसा मंगाया गया या विदेश से जो डोनेशन आई उस पैसे का हिसाब कहीं नहीं है, ना वो उसका कहीं जिक्र है ना कुछ है। ऐसे क्या नॉलेज में है आपकी कि ऐसा पैसा कहीं विदेश से आया है जो आपकी नॉलेज में हो, आपको बताया गया हो कि भीम आर्मी के जो मतलब लोग बंद थे या जिनकी आर्थिक हेल्प करनी थी विदेश से पैसा आया हो, ऐसा कुछ था आपकी नॉलेज?
मैं तो पहली बार आपको ये बता दूं कि मैंने पहली बार सुना कि विदेश से पैसा आता है, किस रूप से आता है मुझे ये नहीं पता। नहीं, मैंने डोनेशन बताया था, डोनेशन के तौर पे आता है पैसा। नहीं, मुझे ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कहाँ आया किस पे गया ना, अगर कोई भेजता है तो कुछ तो रिटर्न में होता होगा, भेजने वाले का भी और निकालने वाले का भी, तो अगर वो किसी के पास है तो उसको दिखाएं। बाकी मेरे संज्ञान में कोई ऐसा एक रुपया भी नहीं है कि किसने भेजा है करा विदेश से। ये तो मैं पहली बार जान रहा हूँ कि विदेश से डोनेशन मिलता है, तो सुना तो बहुत था, लेकिन कैसे आता है, कैसे वो निकलता है, क्या है वो मैं बिल्कुल। अब अपना स्टैंड बताइए आप कि अब आपका स्टैंड क्या है आगे, मतलब राजनीति में जाएंगे आप कि सामाजिक जो संगठन है जैसे जिस तरह से चला रहे हैं आप उसको ही कंटिन्यू रखेंगे, आप अपना स्टैंड बताइए जरा। युवा शक्ति दल की जो पहचान है वो ये पहचान है कि कहीं भी कोई अत्याचार होता है तो वहाँ सबसे पहले 100 नंबर कॉल करने से पहले युवा शक्ति दल किसी कार्यकर्ता का नंबर मिल जाना चाहिए, ये इसकी पहचान है। चाहे वो घड़कोली कांड रहा हो, सभ्यपुर कांड रहा हो, चाहे वो ध्यानकपुर कांड रहा हो या हापुड़ का रहा हो या फिर हरियाणा का कांड रहा हो, वहाँ सब युवा शक्ति दल जाता है। और बात आई अगर राजनीति में आने की या जाने की, तो ये समाज अगर उंगली पकड़ के ये कहेगा कि राजनीति में चले जाओ, तो काशीराम साहब कहते थे कि बिगर सत्ता के आप कोई बदलाव नहीं ला सकते, ठीक है, तो मैं वो भी स्वीकार करता हूँ। अगर ये समाज ये कहता है कि आप ताउमर यहीं बैठ रहेंगे, यही काम करते रहेंगे, तो मैं यही जैसे मैं करता आ रहा हूँ, मुझे खुशी होती है समाज की मदद करते काम करते, तो मैं समाज सेवा करता रहूँगा। ये समाज के ऊपर है, क्योंकि काशीराम साहब ने भी DS4 बाम साहब बना करके बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। मैं बधाई देता हूँ माननीय साहब को, मैं नमन करता हूँ महान आत्मा को कि जिन्होंने एक हमें लाइन दी उस पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। यही बाबा साहब कहते थे कि जो वोट का मैं अधिकार दिलाया कि भाई मैं रानी के पेट से अब राजा जन्म नहीं लेगा, एक रिक्शे पर चलने वाला, एक गांव खेत कल्याण में काम करने वाला भी इस देश का भाग्य विधाता बन सकता है। साथियों, तो मैं यही कहूंगा सभी लोग समाज सेवा करें, लेकिन समाज के लिए करें, समाज से ना करें, समाज हित के लिए करें। ये बताइए, आपने राजनीति की बात करी, क्या यही कारण रहा था कि आप चंद्रशेखर से जेल में मिले और उन्होंने उन्हें जब किराना चुनाव की बात आई थी तो किराना चुनाव लड़ने के लिए आपने उन्हें कहा? देखिए, सब लोग अलग अलग विचार के होते हैं, ये बातें निकल के आ रही थी कि चंद्रशेखर को कैराना सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। आपने कहा उनसे कि चुनाव लड़िए आप, ये कहा? समाज की मांग थी, मैंने वो प्रस्ताव रखा, मैं शेखर भाई आप सही रहेंगे अगर यहाँ से, क्योंकि जो परिस्थिति वहाँ बन रही थी कि जेल से निकला जाए ना निकला जाए, तो ये प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन शेखर भाई ने प्रस्ताव ठुकरा दिया कि आप चाहे भले लड़ लो लेकिन मैं भी चुनाव लड़ लूंगा। तो हमने कह दिया कि जब चंद्रशेखर का भाई जो कहेंगे वो सहप्रिय होगा, तो वो वहां से किसे चुनाव। लेकिन चंद्रशेखर ने इस पर अपना पक्ष रखा कि मुझे चुनाव लड़ाने के इसलिए लड़ाने के लिए अप्रोच किया गया था कि जिससे कि वह मुस्लिम जो है जो प्रत्याशी थी वो ना जीत सके और बीजेपी को इसका क्रेडिट मिल जाए और बाद में दलित मुस्लिम जो एकता की बात हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं फूट पड़ जाए। तो इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, ये चंद्रशेखर का बयान था। देखिए, चंद्रशेखर भाई अच्छा सोचते हैं, शायद वो सही सोच रहे थे उस समय के दौरान, हो सकता है कि हमारे वर्तव्य में या हमारे जो सर्किल में लोग थे वो गलत हों, तो वो निर्णय सही निकला। हम यही चाहते हैं कि बहुजन समाज हर परिस्थितियों में एकजुट रहे और जो सामने जो बीजेपी है उसको हम हराने का प्रयास करें, काम करें। अच्छा, आप किसी पैनल के साथ गए थे उस वक्त चंद्रशेखर से इस चुनाव के बारे में बात करने, आपके साथ कौन थे वो लोग जो पैनल में, जरा बता देंगे तो? देखिए, उस दौरान क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी के कुछ लोग थे जिनके साथ आप गए थे और बीजेपी के लोगों ने ही वहां अप्रोच कराया आपसे चंद्रशेखर को चुनाव लड़ने के लिए। नहीं नहीं, मेरे संपर्क में कोई बीजेपी के लोग नहीं थे, ठीक है, समाज के बुद्धिजीवी लोग थे, जैसे कि आप पत्रकार हो गए और लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो वहां पर जो लोग पहुंचे थे वो कुछ भीम आर्मी के लोग थे, कुछ युवा क्षेत्र के लोग थे, एक दो लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन वो भी समाज के लोग थे, बहुजन समाज का हिस्सा थे कि भाई ये प्रस्ताव रखा जाए। तो उन्होंने वो प्रस्ताव को कहा कि भाई इन चीज़ों से ये नुकसान हो सकता है, अभी हमें किसी भी हाल में बीजेपी को रोकना होगा, तो हर एक सीट पे चाहे युवा क्षेत्र या भीम आर्मी कोई भी समाज संगठन है वो गठबंधन पर जोर दे और गठबंधन को आगे बढ़ाए। अच्छा, उस टाइम थिंक क्या बनाई थी आपने या उस पैनल ने कि अगर चंद्रशेखर उस चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव मतलब उन्हें लड़ाया जाए तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा समाज पर, उस वो थिंक क्या बनाई थी आपने? वो तो राजनीतिक गठजोड़ हैं, जब शेखर भाई आते तो हम लगाते हैं, वो सही रूप से बताएं ठीक नहीं रहेंगे क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर वो उतरते तो जैसे युवा दल ने कहा था तन मन धन और गन के साथ भीम आर्मी या कोई समाज संगठन के लिए, तो हम लोग तन मन धन और बाबा साहब की विचारधाराओं से ईमानदारी से वहाँ चुनाव लड़ते। अगर शेखर भाई कहते ठीक है, लेकिन वो हमसे बेहतर सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे पोस्टपोन किया और रिजल्ट रहा कि बहुजन गठबंधन जीता।
अच्छा, अगर आप चंद्रशेखर को वहां से चुनाव लड़ाते और चंद्रशेखर वहां से चुनाव लड़ते, तो आपको नहीं लगता कि वहां पर बीजेपी को इसका क्रेडिट जाता, पॉलिटिकल माइलेज मिलता बीजेपी को? देखिए, अगर वहां बीजेपी चुनाव लड़ते, अगर शेखर वहां चुनाव लड़ते, तो वहां पर एक चीज तो निकल के आती कि जो लोग गठबंधन के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जो ये नहीं चाहते कि वास्तव में समाज का काम हो या बहुजन महापुरुषों की विचारधारा आगे बढ़े, सिर्फ अपनी निजी राजनीति करते हैं, उन्हें नुकसान होता, चाहे वो बहुजन समाज में गद्दार हो, चाहे वो बीजेपी के एजेंट हो, उन्हें नुकसान होता। लेकिन तो बहुजन महापुरुषों के मिशन को नहीं नुकसान होता, ना बहुजन विचारधारा पर लोग लगने वालों को नुकसान होता। तो इसका मतलब चंद्रशेखर का मत ठीक नहीं था, वो किसी और तरफ, दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, देखो तो उनका मत ठीक नहीं था, आप तो यही कहने चाह रहे हैं कि देखो चुनाव लड़ना वो एक अलग परिस्थिति थी, चुनाव लड़ना दूसरी परिस्थिति थी, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस जा रहा था कि बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए, बहुजन गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम लोग वहां चुनाव ना लड़े। लेकिन जब वो परिस्थिति कुछ और होती, एक घर में चार भाई होते हैं, कोई किसी से नाराज है, कोई किसी से नाराज है, तो वो तो अलग अलग परिस्थिति होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय भीम।